तो आज मंडे है 9 सितंबर। तो पहली न्यूज़ मैंने आपको बताई कि एथर में जो है वो NIIT को मंजूरी मिल गई है NIIF को हिस्सेदारी बढ़ाने के। तो दूसरी खबर हम बात करते हैं ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल के बारे में। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के जॉइंट वेंचर के तहत नई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी बनाई जाएगी, जिसका नाम जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने शेयर बाजार को बताया कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का गठन 6 सितंबर को किया गया है। तो इस जॉइंट वेंचर के तहत कंपनी का प्लान इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रदान करना है। बीते शुक्रवार को जियो फाइनेंशियल के शेयरों में 2.5% की गिरावट देखी गई। यह स्टॉक BSE पर 336 के भाव पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 2.14 लाख का है, लाख करोड़ का है। जॉइंट वेंचर के तहत नई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी बनाई जाएगी, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। इसका मकसद इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज के प्राइमरी बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इसके लिए एक रेगुलेटरी अप्रूवल की जानी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपना स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में खुलासा किया कि कंपनी 30 लाख इक्विटी शेयरों की शुरुआती सब्सक्रिप्शन के लिए 3 करोड़ रुपये का निवेश करेगा, जिसमें से प्रत्येक की फेस वैल्यू 10 रुपये है। बिजनेस प्लान का डिटेल अभी घोषित किया जाना बाकी है। कंपनी ने आगे कहा कि इन कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट 7 सितंबर 2024 को कॉरपोरेट मंत्रालयों मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुई फाइनेंशियल सर्विसेज एंटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने पहले भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की थी। पिछले महीने जियो फाइनेंशियल सर्विस के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC आर्म जियो फाइनेंस लिमिटेड ने घोषणा की है वह होम लोन लॉन्च करने के फाइनल स्टेज में है, जो वर्तमान में बीटा टेस्टिंग में है। इसके अलावा कंपनी अन्य ऑफरिंग की पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन सिक्योर्ड बाय इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। तो जियो की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स हैं, तो स्टॉक को ज़रूर अपने रडार पे रखें। तो इसको नोटिस करते रहें क्या अपडेट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। थैंक यू।